मेरे साथ जाने माने कवि अशोक चक्रधरजी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका अशोक जी। हमारे साथ अदिति माहेश्वरी जुड़ रही हैं जो कि सीनियर एग्जीक्यूटिव है वाणी प्रकाशन की, बहुत बड़ा पब्लिकेशन हाउस है, आपका स्वागत है। और हमारे अपने प्रियदर्शन जी हमारे साथ हैं जो NDTV में हमारे साथ काम करते हैं, हमारे वरिष्ठ हैं और हिंदी के बारे में अच्छी अच्छी चीज़ें बताने में बोलने में एक्सपर्ट हैं। तो शुरुआत में अशोक जी आपसे करना चाहूँगा और पहली राय मेरी आपसे यही है अशोक जी कि क्या हिंदी बोलने में आज भी समाज में हिचक है? आज भी हम चाहेंगे हमारा बच्चा अच्छे अंग्रेजी मीडियम में पढ़े, अच्छी हिंदी आए ना आए? सुमित भाई, आपने पहले जब कहा था अच्छे स्कूल, तो अच्छे को खींच दिया ना, तो वो जो खींचने वाले वाली मुद्राएं हैं वो सही नहीं है। अच्छे स्कूल कौन से होते हैं जहां पढ़ के बालक प्रगति करते हैं? हमारे नवोदय के स्कूल, सरकारी स्कूल से जो बालक निकलते हैं वो उच्चतम श्रेणी तक जाते हैं। बिहार से आए हुए बालक सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। तो ये तो अच्छे और बुरे, इसके मानक फिर से टटोलने चाहिए। हिंदी चौथे स्थान पर है, ये एक भ्रामक आंकड़ा है। जिसके भाषा भाषी इतने ज्यादा हों, जिसकी समझ अब वैश्विक होती जा रही हो, वो नंबर एक पर है। लेकिन समस्या क्या है कि मैंडरिन को चीन ने राष्ट्रीय भाषा घोषित कर दिया। उनकी राष्ट्रीय भाषा है, हर किसी को आती है, हर किसी को आनी चाहिए। इसी प्रकार स्पेनिश भी हर स्कूल में पढ़ाई जाती है। हमारे बालक भारत में स्पेनिश पढ़ते हैं इसलिए चूंकि हमें वहां रोजगार मिल सके। अंग्रेजी भी रोजगार के कारण पढ़ते हैं और रुतबे के कारण, रुतबा और रोजगार। लेकिन अभी जो ट्वीट हमने देखा प्रधानमंत्री का, उसमें वो कहते हैं सद्भावना की भाषा। ये समय पूरे विश्व में और भारत में भी सद्भाव का वातावरण लाने के लिए है। और मैं समझता हूं कि हिंदी अपने आप बिना सरकारी प्रयत्नों के भी वो काम कर रही है जो सद्भाव पैदा करने वाला होता है। मैं तो आपको आप जोड़ता हूं अशोक जी, मैं एक राय प्रियदर्शन जी की लूंगा। और प्रियदर्शन जी, आप और हम तो न्यूज रूम में काम करने वाले लोग हैं। वाणी जी, मैं आता हूं आपके पास। मैं कुछ हद तक दोषी अपने आप को ही मानता हूं। हम हिंदी के जो पत्रकार हैं वो बड़ी आसानी से अपनी स्क्रीन की स्पेस के चक्कर में, चाहे वो अखबार में काम करें चाहे वो टीवी में काम करें, वो अंग्रेजी के शब्दों का इस्तेमाल कर लेते हैं। क्या इससे हिंदी मजबूत हो रही है या हिंदी जो मिश्रित हम दूसरी भाषाओं के शब्द इस्तेमाल करते हैं या हिंदी कमजोर होती है? आपकी राय पीडी सर। देखिए सुमित, सबसे पहली बात तो ये कि दूसरी भाषाओं के शब्द के इस्तेमाल में कोई गड़बड़ी नहीं। भाषाओं को शुद्धतावाद मारता है। दुनिया की सारी भाषाएं एक दूसरे से शब्द लेकर पुष्ट होती हैं और हिंदी का व्याकरण भी विदेशज के रूप में बहुत सारी विदेशी भाषाओं को बिल्कुल अपना चुका है। जैसे साइकिल है, कार है, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, हॉस्टल है, इन तमाम शब्दों को हम हिंदी में इस्तेमाल करते हैं। मुश्किल तब आती है, देखिए खिड़कियां तो खुली रखें लेकिन इस तरह हवा ना आने दे कि दरवाजा टूट जाए। हो ये रहा है कि जो बहुत प्रचलित शब्द हैं, जहां आप बहुत आसानी से हिंदी शब्दों को इस्तेमाल कर सकते हैं, वहां आप अंग्रेजी के शब्द ठूसते जाते हैं। जैसे हादसा या दुर्घटना की जगह आपको एक्सीडेंट लगता है, ठीक, आपको कई ऐसे शब्द मिलेंगे जो आप कम प्रचलित है अंग्रेजी में। बचाव की जगह आप रेस्क्यू इस्तेमाल करते हैं। अंग्रेजी और हिंदी के शब्दों के इस्तेमाल का अंतर एक और है। देखिए हर भाषा की स्मृति होती है, उसके शब्द अतीत की एक परंपरा से आते हैं। तो आज की जो मीडिया की हिंदी है वो दुर्भाग्य से, जो हम और आप बहुत कम शब्दों में बोल रहे हैं, उसमें हमारी जातीय स्मृति की अनुगूंज नहीं। वो बहुत सपाट भाषा है, तो हमारे 55 घायल वाली ऐसी अखबारी भाषा जो हमारी संवेदना पे असर नहीं करती है। फिर हम उसको सनसनीखेज बनाने में लगते हैं। ये सनसनीखेज बनाने की कोशिश हिंदी को और चौपट कर देती है। तो शुद्धतावाद के तो मैं बिल्कुल खिलाफ। दुनिया भर के शब्द हिंदी में आते हैं, आने चाहिए, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा बीच में टोक रहा हूं हिंदी का मूल चरित्र, एक भाषा की मूल प्रकृति पनीर है। एक क्विक कमेंट में लेना चाहूंगा। हमारे साथ वाणी प्रकाशन की अदिति जी भी हैं। अदिति जी, क्या आप भी इस बात को मानेंगी जो बात पीडी सर ने बोली कि हिंदी में अगर आप शुद्धता की तरफ जाएंगे तो हिंदी को आप कमजोर करेंगे? ऐसे बहुत से लोगों को मैं जानता हूं जो
दूसरी भाषाओं के शब्दों को जोड़ने पर उनको एतराज़ है। बोलते हिंदी के पास अच्छे शब्द हैं पर आप जानबूझकर उसमें अंग्रेजी को डालकर या उर्दू को डालकर हिंदी को कमजोर कर रहे होते हैं, आपकी राय? इतिहास साक्षी है कि हिंदी या विश्व की कोई भी भाषा एक एकलपन में तो विकसित नहीं हो सकती, उसका संवाद और भाषाओं से और सभ्यताओं से होना बहुत जरूरी है ताकि भाषाओं के साथ साथ विचारों का भी आदान प्रदान हो। और कालचक्र में भाषा जो कि एक म्यूजियम है, एक नुमाइश घर है, एक संस्कृति की परिपक्वता का, संस्कृति की सीख का, वो कालचक्र के साथ आगे बढ़े। अब मैं उस पीढ़ी की हूँ सुमित जी, जिसने स्कूल में हिंदी बोलने के लिए आधी छुट्टी में 1 रुपए का फाइन भरा और या फिर जब 1 रुपया ना हो तो कान पकड़ के ग्राउंड में खड़े हो। तो आप ये समझिए कि उस पीढ़ी के बच्चे, यानी मेरी पीढ़ी के बच्चे या मेरे से भी जो छोटे जो मेरे जूनियर्स हैं, जब वो लोग हिंदी में अपना रोजगार ढूंढने आते हैं, हिंदी रोजी रोटी अपने अपने जीवन में लाना चाहते हैं, उससे जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए हिंदी को सीखना समझना एक बिल्कुल अलग काम है, एक बिल्कुल अलग स्वभाव है हिंदी के प्रति। और जो बच्चे हिंदी माध्यम से आ रहे हैं आगे, उनके लिए हिंदी का महत्व बिल्कुल अलग है। राइट, ये बिल्कुल ठीक है। आपने एक लास्ट कमेंट अशोक जी मैं आपका लेना चाहूंगा। हिंदी बोलने में हिंदी के अगर हमको पता लगे कि ये व्यक्ति हिंदी में बात कर रहा है तो उसको सामने वाला व्यक्ति उतने सम्मान के साथ नहीं देखता। अगर वही बात वो अंग्रेजी में बोले तो अचानक उसकी बात में सो कॉल्ड वजन आ जाता है, वो इम्पोर्टेंट हो जाती है बात। ये जो मानसिकता है, ये जो पराधीनता की मानसिकता है, ये खत्म नहीं हुई है 75 साल बाद भी। कोई तरीका है? आप तो हिंदी पे इतना काम करते हैं। लास्ट कमेंट। ये सो कॉल्ड धारणा है और सीमित दायरे में रहती है, असीमित दिखाई देती है। अंग्रेजी कितनी अच्छी है वो जो फाइन लगाती है अपने बच्चों पर, सद्भावना के बिना अंग्रेजी स्कूल काम करते हैं। मैं चूंकि समाहार चाहते हैं, मैं अपनी कविता आपको सुना देता हूँ। गूंजे गगन में, महके पवन में, हर एक मन में सद्भावना। मौसम की बाहें, दिशा और राहें, सब हमसे चाहें सद्भावना। घर की हिफाजत, पड़ोसी की चाहत, हर एक दिल को राहत तभी तो मिले। हटे सब अंधेरा, ये कोहरा धनेरा, समुज्वल सवेरा तभी तो मिले। जब हर हृदय में पराजय विजय में, हिंदी की लय में, ये सुनिएगा, हिंदी की लय में, उर्दू विलय में, उर्दू की लय में, हिंदी विलय में, अंग्रेजी विलय में, संस्कृत वलय में, संस्कृत के वलय में, प्राकृत मलय में, प्राकृत की हवा में, जब हर हृदय में पराजय विजय में, सद्भाव लय में हो साधना। गुंजे गगन में, मैं के पवन में, हरे। क्या बात, क्या बात। भाषाएं आपने ऑस्ट्रेलियाई राजनयिकों को बोलते हुए देखा, तो जब अंग्रेजी के कितने रूप हैं, ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश, अब तो इंडियन इंग्लिश भी कहलाती है, यूके की इंग्लिश अलग है, यूएस की इंग्लिश अलग है, तो मैं भी ये कहूंगा कि हम हिंदी नहीं, मानक हिंदी तो एक है ही जो हम आप बोल रहे हैं या किताबों में पढ़ी जाती है, उसको रख दीजिए विश्वविद्यालयों के लिए, उसको रख दीजिए उपन्यासों, कहानियों, कविताओं और रचनात्मक साहित्य में परिनिष्ठित भाषा के प्रयोग के जो अलंबरदार हैं उनके लिए, लेकिन जो लोक व्यवहार की भाषा को लाना चाहते हैं साहित्य में भी, बिल्कुल उनको मैं वंदना करता हूँ, उसकी भी वंदना करता हूँ। वक्त की कमी है, मैं आप तीनों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, लेकिन एक चीज कुल मिलाकर आती है कि हिंदी के अंदर अगर बाहर के शब्द आते हैं तो हिंदी उससे समृद्ध होती है, पर ये हिंदी बोलने वाले हम लोगों पर भी जिम्मेदारी है कि हम जबरन के लिए हिंदी के अच्छे शब्दों के बदले किसी और भाषा के शब्दों का जब इस्तेमाल करते हैं अपने बोलचाल में, अपने लिखने में, तो हम हिंदी के लिए एक तरीके से मुसीबत पैदा कर रहे हैं, उसका नुकसान कर रहे हैं। यही बात निकल कर आती है इन तीनों महानुभावों के साथ बात करके।